जहां एक तरफ जनता कोरोना की मार झेल रही है तो वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार भी जनता को ही झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन का फायदा उठाकर लोग आबे दाबे रेटों में अपने सामान को बेच रहे हैं। ताजा सबूत एक नारियल पानी का है, जहां उकलाना में 40 से 50 रुपए में बिकने वाला नारियल पानी अब 17 से 80 रुपए में बिक रहा है। एक तरफ हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन यह दावा करता है कि हमने सभी दुकानों पर और सामान बेचने वालों पर नजर रखी हुई है कि कोई भी महंगे दामों में सामान नहीं बेचेगा, लेकिन फिर भी प्रशासन की नाक के नीचे दुकानदार नारियल पानी 70 से 80 रुपए के बेच रहे हैं। इससे तो एक बात साफ जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं उकलाना में लॉकडाउन का फायदा उठाकर दुकानदार भी जनता को दबाकर लूट रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पीछे से ही नारियल पानी महंगा आ रहा है तो हम किस रेट में बेचें, कुछ मुनाफा हमें भी तो चाहिए। 70 रुपए दे रहे हैं। 70 रुपए क्यों भैया, जब 40 से 50 रेट था आपका तो पीछे ही बहुत महंगा है। 65-66 रुपए खरीदे हो रहा है, क्या भाव बेचेंगे? लोग उतने आ रहे हैं लेने, या लोगों में भी लेने में तो भी माल पूरा नहीं हो रहा है, माल पीछे से कम आ रहा है, किराया भाड़ा ज़्यादा है इसीलिए माल महंगा बिक रहा है। बीच में तो 80-100 का भी बिक गया, फिर भी हम लोग 70 रुपये बेचे हैं। जी बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जो नारियल पानी इन्हें मंडी से मिलता है वो 50-55 रुपये में मिलता है। लोग इन लॉकडाउन की स्थिति को देख के डिमांड इनके पास ज़्यादा है, लोग खुद से भी ये नहीं देख रहे कि जरूरतों की मदद की जाए, हम 2-4 रुपए का मुनाफा रख के बेचा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ार में जहाँ जाओ वहाँ जो है आपको 50 रुपए की चीज़ पे 20-30 रुपए मुनाफा रख के लोग बेच रहे हैं। बिल्कुल भी सहमत नहीं है जी इस बात से, लोग इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।